जैन साथियों, मैं कमांडो जीवराज कमांडो डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG ब्लैक कैट कमांडो के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। ब्लैक कैट कमांडो के क्या कार्य होते हैं, क्या सैलरी होती है, कैसे भर्ती होती है, क्या ड्यूटियाँ करते हैं, क्या इनके पास वेपन होते हैं और क्या क्या इन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस किए हैं, उसके बारे में आपको तसल्ली से इस वीडियो में जानकारी देंगे। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय समय पर हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं, वो आप तक पहुँचते रहें। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका हेडक्वार्टर मेहरानगढ़ पालम दिल्ली में स्थित है। NSG ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप NSG इनके थ्रू ही ज्वाइन कर सकते हैं। NSG में डायरेक्ट एंट्री नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी से NSG के जो जवान हैं वो डेपुटेशन पे आते हैं। गठन, माननीय इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में एक आतंकवाद से लोहा लेने वाले स्पेशल दस्ते की आवश्यकता महसूस हुई तो जर्मनी की GSG 9 तथा SAS UK की तर्ज पर NSG को ऑर्गेनाइज करने का विचार किया गया और 22 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना की गई। ये संस्था गृह मंत्रालय के अंडर आती है। NSG का आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। NSG का ऑर्गेनाइजेशन मुख्यतः दो भागों में बंटा हुआ है। एक SAG स्पेशल एक्शन ग्रुप, टोटल NSG के 53% जवान इसके अंदर होते हैं। इसकी दो बटालियन हैं, SAG 51 और SAG 52। एक बटालियन की संख्या लगभग 908 होती है। SAG में केवल आर्मी के ही बंदे ज्वाइन कर सकते हैं और SRG स्पेशल रेंजर ग्रुप या इसको स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप भी बोलते हैं, इसमें टोटल NSG के 47% जवान काम करते हैं और ये 47 जवान हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के होते हैं जिनमें CRPF, BSF, RAF, ITBP आदि पैरामिलिट्री फोर्सेस के सदस्य होते हैं। इसकी तीन बटालियन हैं, SRG 11, SRG 12, SRG 13। इसमें SRG 11 SAG 51 और 2 का स्पोर्टिंग दस्ता माना जाता है। इसमें SPG में जो सदस्य काम करते हैं, जो VIP की प्रोटेक्शन करते हैं या VVIP की प्रोटेक्शन करते हैं, उनकी मंथली या क्वार्टरली पुलिस वेरिफिकेशन होती है। ड्यूटीज, SAG की ड्यूटी होती है स्पेशल ऑपरेशंस करना, जैसे आतंकवादियों से लोहा लेना, आतंकी धमकियों का निराकरण करना, हवा एवं ज़मीन में अपहरणों का नियमन करना, ID ब्लास्ट रोकना, बम डिस्फ्यूज करना, पोस्ट ब्लास्ट की जांच करना, बंधकों का बचाव करना आदि। SRG का कार्य VIP एवं VVIP को सुरक्षा देना है। ये प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, मंत्रीगण या अन्य जो VIP हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। पोस्टिंग, NSG की पोस्टिंग वैसे तो 2.5 साल या 30 महीने के लिए
डेपोटेशन पे होती है, लेकिन इनका 6-6 महीने का और एक्सटेंशन भी लिया जा सकता है। एसएजी की तुलना में एसआरजी का कार्यकाल थोड़ा ज़्यादा होता है। साथियों, एनएसजी का सबसे मुख्य भाग है एनएसजी की ट्रेनिंग। एनएसजी की ट्रेनिंग स्टार्टिंग में 0 वीक, जिसको बोलते हैं, 7 दिन की स्क्रीनिंग होती है, फिजिकल होता है और फायरिंग होती है। इस दौरान जितने भी सोल्जर एनएसजी ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं उनकी छंटनी हो जाती है और 0 वीक में काबिल सोल्जर रख लिए जाते हैं, बाकी को रिटर्न टू यूनिट कर दिया जाता है। 0 वीक यह तय करता है कि आपको एनएसजी की ट्रेनिंग करनी है कि नहीं। इसमें 1 से 8 वीक तक हार्ड फिजिकल होता है और उसके बाद में टेस्ट होते हैं। 8वें वीक में जो पास होता है वो 9वें वीक की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, बाकी बचे हुए जवान वापस यूनिट में चले जाते हैं। 9 से 12 वीक में फाइनल टेस्ट होते हैं और इसमें और हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग होती है। इसमें BOAC ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें 24 ऑब्स्टिकल होते हैं और इनको 13 मिनट में पार करना होता है। 13 मिनट एक्सलेंट टाइम माना जाता है। फायरिंग में बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस या मस्केटरी करवाई जाती है। एक जवान अपने ट्रेनिंग पीरियड में लगभग 5000 से 8000 के बीच में गोलियां फायर करता है। इसमें विभिन्न प्रकार की फायरिंग ट्रेनिंग होती है, जैसे कंधा बदलकर फायरिंग करना, शीशे में देखकर फायर करना, उल्टा लटक कर फायर करना, मूविंग टारगेट पर फायरिंग करना, अलग अलग आड़ से फायरिंग करना, हेलीकॉप्टर से फायरिंग करना, लगभग 13 पोजीशन से मूविंग टारगेट पर फायरिंग की जाती है। इसमें एयरबोन की ट्रेनिंग भी होती है हेलीकॉप्टर से, स्लेदरिंग है, रेपलिंग है आदि। ट्रेनिंग में टारगेट ट्रेनिंग मुख्य होती है, जिसमें आतंकियों द्वारा बस को हाईजैक कर लिया जाना, जहाज हाईजैक करना, ट्रेन, मेट्रो, होटल, मकान आदि को आतंकियों के कब्जे से छुड़वाना, इन सब की मुख्य ट्रेनिंग करवाई जाती है। फिजिकल ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग दी जाती है, शारीरिक रूप से खूब सारा हरासमेंट किया जाता है, नींद नहीं लेने दी जाती है, शारीरिक थकान दी जाती है, सजा दी जाती है, यातना दी जाती है। जवान को इस स्टेज में लेके आया जाता है कि वो सोचने की क्षमता बंद हो जाए और शरीर जवाब देने लग जाए। उस कंडीशन में जो जवान ट्रेनिंग पार करता है वो एनएसजी कमांडो बनता है, एनएसजी में सिलेक्शन हो पाता है। फिजिकल ट्रेनिंग में 5 किलोमीटर की दौड़ मात्र 17 मिनट में पार करनी होती है, 24 किलोमीटर की दौड़ 20 केजी वजन के साथ में 2 घंटे 35 मिनट में जो जवान पार करता है उसका एनएसजी में सिलेक्शन होता है। और साथ ही साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, दिमागी रूप से बंदे को चेक किया जाता है कि फिट है कि नहीं। साथ ही तुरंत निर्णय लेने की क्षमता भी चेक की जाती है कि टारगेट पर फायर करने से पहले कितना जल्दी एक सोल्जर डिसीजन ले पाता है। सैलरी, विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस से, आर्मी से आए हुए जवानों की अपनी बेसिक पे का 40% एक्स्ट्रा मिलता है, साथ ही 8% एवं 24% क्वार्टर का अलाउंस भी मिलता है, जिसको HRA बोलते हैं। बाकी तनख्वाह है उनकी मदर यूनिट की सैलरी की तरह ही आती है। लिविंग, कमांडोज अपने परिवार के साथ में जो NSG के मुख्यालय में क्वार्टर्स बने हुए हैं उनमें रह सकते हैं,
इनके बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था होती है, फैमिलियों के रहने की व्यवस्था होती है और सारी सुख सुविधाएं मिलती है। दोस्तों एनएसजी के पास में बहुत सारे वेपन होते हैं जिनमें 9mm 1α टेवोर MP4 कार्बाइन APS अंडरवाटर राइफल्स सब मशीन गन IMI ग्लील PSG-1 MP5 SMG कॉर्नर शॉट स्नैपर राइफल्स इस प्रकार से और भी काफ़ी वेपन हैं जो NSG द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ड्रेस NSG कमांडो काली ड्रेस में रहते हैं, मुंह पर मास्क लगा के रखते हैं ताकि इनकी कोई फोटोग्राफ खींचकर आइडेंटिफाई ना कर सके। ऑपरेशंस दोस्तों लगभग NSG ने 25 दुनिया के बेहतरीन ऑपरेशन किए हैं जिनकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे। आप हमारा अगला वीडियो देखें, उसमें आपको पूरे ऑपरेशंस की जानकारी दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।